थैंक यू। कैमरे वगैरह ऑन कर सकते हैं, अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। नो स्क्रीन विजिबल है? ठीक जी सर, बहुत आला आ रही है। है। सॉरी, दिस इज लेक्चर 22। एंड वीक 14, आई थिंक, यस, यस सर, राइट, यस सर। ओके। कैमरा कौन कौन ऑन कर रहा है? अली नवाज, आयशा, हसनैन, मोहम्मद, उमर, नजम, अंजिला। कैमराज हैं सर आपके पास? हैव यू एनी कैमरा? कैमरा किस सिलसिले में ऑन करना है? ऐसे ही आप लोगों को देखने का दिल कर रहा है। ओके, राइट, तैयार होके बैठे हो नजम? नहीं सर, किचन में बर्तन धो रहा हूँ मैं तो साथ साथ। आवाज क्लियर नहीं है आपकी, थोड़ा आहिस्ता बोलें। वालेकुम सलाम। ठीक है, अदनान, अदनान ने अभी ज्वाइन किया ऑफलाइन। अदनान कुछ कहना चाहेंगे? सलाम करें यार अपने क्लास वालों से। अदनान की तरफ से आप सबको सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। चले चले, मतलब आप अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कैमरा ऑन कर सके। ये तो गलत बात है यार, चले, बड़ा अफसोस हुआ। सर आप पहले बताते, फिर हम अच्छा कर लेते। यार, आप लोग तैयार होके ना बैठा करें ना। अब ये कि नेक्स्ट क्लास में आई होप कि आप जो है वो जी दीदार सर, वगैरह कराएंगे। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये बताएं कि चैप्टर 5 हमने स्टार्ट करना है आज, तो चैप्टर 4 में अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी बताएं। BJT AC एनालिसिस, ये टॉपिक है चैप्टर 5 का। ठीक है, AC एनालिसिस। चैप्टर 4 में हमने किया सिर्फ DC एनालिसिस, अब हम करने जा रहे हैं AC एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, सर्किट वही होंगे जो पहले आप देख चुके हैं DC एनालिसिस के लिए। BJTs फिक्स बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस। ठीक है, उन्हीं सर्किट्स को अब आपने AC परस्पेक्टिव में सॉल्व करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, क्या मेथड है, क्या अप्रोच है। ठीक है, बट अब अभी हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर को हम एक एम्पलीफायर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम के कंसेप्चुअल सर्किट से और देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कैसे करता है सिग्नल को। अब हम उसको सिग्नल अप्लाई करने जा रहे हैं, एक इनपुट देने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि वो उस सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट पे देगा, जो कि हम आगे एक स्पीकर को अगर देना चाहें तो उससे ये होगा कि हमारी आवाज़
अब ऊंची हो जाएगी, ठीक है, सिग्नल इंक्रीज कर जाएगा। अगर एंटेना पे दे रहे हैं तो उसकी ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस पे होगी, ठीक है, पावर इंक्रीज करेगी। तो एम्पलीफायर का जो पर्पज़ है वो पावर को एम्पलीफाई करना है। पावर जो आपको पता है वोल्टेज इनटू करंट होती है, तो अगर वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा तो पावर इंक्रीज होगी, अगर सिर्फ करंट को एम्पलीफाई कर रहा तब भी पावर इंक्रीज होगी। और अगर वोल्टेज और करंट दोनों एम्पलीफाई हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स फिर पावर भी इंक्रीज होगी, ठीक है जी। चैप्टर फोर से कोई है क्वेश्चन तो बता दें, टेक 30 सेकेंड्स, और अगर नहीं है तो फिर मैं इस टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ। सर बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं लाइक कुछ दिनों बाद अगर हमें जरूरत पड़े। जी जी बिल्कुल, आप क्लास के अलावा भी मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप आ सकते हैं, आप चंक ऑफ स्टूडेंट्स मिलके भी एक जूम सेशन एक्स्ट्रा कॉल कर सकते हैं, आप सारे लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी अरेंज हो सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं। उसमें आप प्रॉब्लम्स लेके हैं जहाँ पे आपको डिफिकल्टीज हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है सर। और कोई अदनान आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है। मेरा ख्याल है आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अभी आपने चैप्टर फोर के क्वेश्चंस देखे नहीं है सारे। ये सर अभी सारे अटेम्प्ट नहीं किए तो इसलिए मतलब ज्यादा नहीं पता कि कहाँ मुश्किलात आएंगी। ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम, वीकेंड है उसको लगाएं, ठीक है, छुट्टियां भी आ रही हैं, हो सकता है छुट्टियां हो, ठीक है, तो अगर छुट्टियां होती हैं तो फिर उनको भी यूटिलाइज करें, और छुट्टियों के दौरान अगर आप मुझे कहते हैं तो हम ऑनलाइन जूम पे आ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, गुड, चलें फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। सर छुट्टियां कब होंगी? गुड क्वेश्चन यार, ये फाइनल के बाद हो जाएंगे ना। बीजेटी एसी एनालिसिस, ठीक है, कुछ ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मैं ज़रा डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ कि अभी हम देखने जा रहे हैं कि जब मैं ट्रांजिस्टर सर्किट को एक एसी देता हूँ तो वो एसी को के साथ कैसे जाना वो ऑपरेट होगा। इनपुट पे एसी देता हूँ तो आउटपुट एसी कैसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट मी सी, एवरीवन इज देयर? यस सर। बस फिर बताते जाना जहाँ पे भी आपको इश्यू आ रहा है, ठीक है जी सर। ओके सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे ऐड कर दें, आपने उसको ईडीपी में ऐड कर दिया, ईडीसी में ऐड करें। अच्छा, किसको मैंने ईडीपी में ऐड किया? तलहा है सर, तलहा अकरम। नहीं, मीटिंग तो ईडीसी में ही क्रिएट हुई है ना? जी जी, ठीक है। इसका लिंक आप में से कोई भेज सकता है उनको? जी भेज देते हैं। हाँ, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट होगा ना, ये इसको कॉपी करें और वहीं पे पेस्ट कर दें, ठीक है। कौन कर रहा है ये? सर मैं भेज रहा हूँ, उमर। BJT as an amplifier. Amplifier क्या होता है? Amplifier ये होता है कि आप उसको एक input देते हैं, this is a black box, और इस डब्बे के अंदर एक amplifier पड़ा हुआ है, तो इसको मैं दूंगा एक input और इससे मैं produce करूँगा एक output और इसकी output के साथ मैं लगा दूंगा एक load. ये लोड आपका स्पीकर है जैसे,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिग्नल दूंगा, कोई भी सिग्नल, और सिग्नल किस तरह का होगा, कोई लाइट से इस तरह की कोई एसी सिग्नल है, ठीक है। दिस इज इनपुट, या फिर कोई और आपका सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है इस तरह का, ठीक है ना। एनी आर्बिट्रेरी और प्रॉपर sinusoidal signal if you apply it at the input. What this amplifier should do is it should give an output which should be amplified. So kitna amplify karega signal, wo is amplifier ka ek parameter hota hai jisko kehte hain voltage gain. Voltage gain, theek hai। तो ये गेन, लेट से ये कांस्टेंट नंबर होता है, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल गेन 2 है, 10 है, 100 है, 1000 है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होगा और जो आउटपुट आएगी दैट वुड बी एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ दिस इनपुट। जो भी यहाँ पे सिग्नल दिया था इस सिग्नल के मैग्नीट्यूड को वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है, एम्पलीफाई कर देगा। दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन उस वक्त होगी जब मेरा वोल्टेज गेन ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे गेन जो है ना वो 2 है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स इनपुट। गेन जो है ना वो आपका गेन हमेशा एम्पलीफायर का जो गेन है दैट इज इक्वल टू आउटपुट आवर इनपुट, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है। तो इफ गेन इज आउटपुट आवर इनपुट, इफ दिस इज गिवन, आई कैन फाइंड आउट द आउटपुट एज गेन इनटू इनपुट, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन विच डिफाइंस द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर। आउटपुट कितनी होगी, जो भी इसको इनपुट देंगे सिग्नल, मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है। तो अगर लेट्स से गेन जो है मेरा 2 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 2 इंटू इनपुट। तो गेन इसका मतलब कि जो भी सिग्नल है वो कितना हो जाएगा एम्पलीफायर के, अगर ये 1 वोल्ट है तो कहाँ चला जाएगा, ये 2 वोल्ट पे चला जाएगा एम्पलीफायर पे, ठीक है। और अगर गेन मैं इंक्रीज कर दूँ, 4 कर दूँ, इफ गेन इज 4 तो ये सिग्नल कहाँ चला जाएगा, 2 के बजाय 4 पे चला जाएगा, ठीक है। और तो जितना गेन इंक्रीज करते जाऊँगा सिग्नल ज़्यादा मैग्नीफाई होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अगर 2 है तो 2 रहेगी, 4 है तो 4 रहेगी, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर का एक वोल्टेज गेन आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो एम्पलीफायर है वो इस सिग्नल को, छोटे से सिग्नल को मैग्नीफाई करेगा, एम्पलीफाई करेगा। मैग्नीफाई करते हुए ये इसकी शेप को मेंटेन रखेगा। अगर मैं ये सिग्नल देता हूँ तो ये सिग्नल मैग्नीफाई होके ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन ये बड़ा होकर नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन सिग्नल की शेप सेम रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सिग्नल है मेरा आ रहा इस तरह का, ठीक है, तो जब ये मैग्नीफाई होगा तो ये इस तरह का नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा, शेप सेम रहेगी इसकी, ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देगा लेकिन शेप वही रहेगी, मेंटेन रहेगी शेप। एम्पलीफायर जो है वो कभी भी इसकी शेप को चेंज नहीं करता, जस्ट उसको मैग्नीफाई करता है। ये चीज़ आपने नोट करनी है, सही है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपम के। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल रहा हूँ अभी तो ये सिग्नल जो मैं मेरा वॉइस सिग्नल है ये एज इट इज़ एम्पलीफाई होना चाहिए स्पीकर को जब मैं अप्लाई करूँगा, ताकि मेरी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी चेंज ना हो, ठीक है।
ठीक है, क्वालिटी मेंटेन रहे। अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो सर्किट है वो क्या है और ये सर्किट किस तरह से इस सिग्नल को लेगा, एसी सिग्नल को, और आउटपुट पे उसी शेप का सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो एम्पलीफायर है किससे इम्प्लीमेंट होगा, ये ट्रांजिस्टर से इम्प्लीमेंट होगा। बीजेटी से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और एफईटी से भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ बीजेटी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन रिक्वायरमेंट है एम्पलीफायर के लिए वो ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर से ही एम्पलीफायर इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं कंसेप्चुअल सर्किट देता हूँ आपको विद अ बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इस तरह से टर्न एक बीटा डिफाइंड है। ठीक है, और ये इसके तीन टर्मिनल्स हैं, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर, राइट। और हमने जब भी बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो जो पहला स्टेप है वो इसका डीसी बायसिंग करके क्यू पॉइंट को सेट करना है इनटू द एक्टिव रीजन। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, तो डीसी बायस, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग क्यू पॉइंट। ठीक है, देन सेकंड के ऊपर हम एसी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप पे फिर हम उसको एसी अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसका क्यू पॉइंट सेट करना चाह रहा हूँ एक्टिव रीजन में, तो मुझे इसको डीसी बायस करना है, तो लेट मी बायस इट विद अ डीसी सप्लाई एज वीसीसी एंड दिस इज रेजिस्टेंस आरसी, और अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ एमिटर को, और एक सेकंड सप्लाई से मैं इसके बेस एमिटर जंक्शन को बायस करता हूँ फॉरवर्ड बायस। इस सप्लाई को मैं नाम देता हूँ वी बी बी, दिस वन इज वी सी सी एंड दिस रेजिस्टेंस इज आर बी। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे कोई सप्लाई वोल्टेज सेट कर लेता हूँ, लेट से ये 12 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस को लेट से मैं 600 ओम सेट कर देता हूँ। ये कुछ मैंने पहले से वैल्यूज की प्री कंप्यूट की हुई हैं, तो उनको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, दिस इज 5 वोल्ट। ठीक है, ये एक फिक्स डीसी बैटरी है 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टर्स फिक्स हैं, ट्रांजिस्टर फिक्स है विद बीटा 100। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करें, क्यू पॉइंट, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट में मुझे इसकी वैल्यू चाहिए आई सी क्यू नंबर वन, और सेकेंडली मुझे चाहिए इसकी वी सी ई क्यू। ठीक है, अब आई सी क्यू फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए पहले आई बी, जो उसकी क्यू पॉइंट वैल्यू है ड्यू टू दिस डी सी सप्लाई। तो यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस करंट को मैं कह देता हूँ आई बी क्यू, इसका लूप लगाएंगे तो यहाँ से आई बी आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो आई बी है ना वो मैंने पहले से कंप्यूट किया हुआ, इसकी वैल्यू जो आती है वो आई बी क्यू की ट्वेंटी थ्री नैनो एम्पीयर। ठीक है, नहीं इसको जरा आप देख लीजिएगा, सॉरी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से। ठीक है, एनीवेज ये वैल्यू आप निकाल लें, किसी के पास कैलकुलेटर है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, आई बी इज इक्वल टू 5 - 4 0.7 डिवाइड बाय 430 के, दिस 4.3 डिवाइड बाय 430 के,
आपके पास है कैलकुलेटर जी? स्टूडेंट्स आप में से किसके पास कैलकुलेटर हो तो ये वैल्यू मुझे बता सकते हैं। एक मिनट सर, सर 1 पावर 10 माइनस 5। 1 पावर 10 माइनस 5 विच इज 10 माइक्रो। यस सर। ठीक है, सो दिस करंट इज 10 माइक्रो एम्पीयर। If beta is 100, then what would be this number? 1 milliampere? Yes, sir. Okay, 1 milliampere. So this current ICQ is here, which is 1 milliampere. Okay. Or what would be VCEQ? VCEQ is defined here. What would be the value of VCEQ? So वो आप निकालते हैं VCC minus ICQ into RC. And VCC is 12. What is ICQ? 1 milli. And RC is 600. So ये number कितना बन जाएगा? I think 6 volt. 11.4. हाँ 11.4 नहीं, अच्छा 11.4, इसको फिर आप 6K कर दें, फिर इसको ना 6K कर दें। ठीक है, तो इफ दिस इज 6K राइट, आप कितना हो जाएगा ये 6 वोल्ट राइट? Yes, sir, 6. Good. So, VCQ आपके पास आ गया 6 volt, ICQ आपके पास आ गया 1 milliampere. आपको load line, मैंने बताई थी load line. Load line के इस axis के ऊपर आपके पास आती है VCE और इस axis के ऊपर IC. और इसको आप straight line से represent करते हैं. ये पॉइंट इसका होता है 12 वोल्ट और ये पॉइंट जो होता है इसका आईसी सेट। ठीक है, आईसी सेट इसका इस केस में 2 मिलीएम्पियर आ रहा है, 2 मिलीएम्पियर। सो वेयर इज द क्यू पॉइंट ऑन दिस लोड लाइन? लोड करंट इज 1 मिलीएम्पियर, वोल्टेज इज 6 वोल्ट। करंट इज, दिस इज 2 मिलीएम्पियर, दिस इज द सेंटर पॉइंट एट 1 मिलीएम्पियर. And this is 12 volts, center would be 6 volts. So if I project it on this point, so this would be your Q point. ठीक है? तो DC analysis करने के बाद आप उसको load line के ऊपर Q point को indicate कर सकते हैं। ठीक है? So इसको मैंने इसे design इस तरह से इसको सेट किया है, वैल्यूज चूज किए हैं कि मेरा जो क्यू पॉइंट है वो बिल्कुल लोड लाइन के सेंटर पे आ जाए। इसका फायदा क्या होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, कि सेंटर में रखने का क्या फायदा। और कीप इन माइंड कि जो सेंटर पॉइंट है ये ट्रांजिस्टर का कौन से रीजन है, एक्टिव, कट ऑफ या सैचुरेशन? इस रीजन में पड़ा हुआ एक्टिव रीजन। ठीक है, ये एक्टिव रीजन में पड़ा हुआ। ठीक है ना, ये रीजन कट ऑफ रीजन है, ये रीजन सैचुरेशन रीजन है, और ये पॉइंट कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच में एक्टिव रीजन है। ये सारा रीजन आपका कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन। इसका मतलब अगर मेरा क्यू पॉइंट इस लाइन पे इस तरफ मूव कर रहा है तो आप टूवर्ड्स कट ऑफ मूव कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ पॉइंट है। अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो आप सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्यू पॉइंट इधर मूव कर रहा है, अभी एक्टिव में इस जगह पे पहुंचेगा तकरीबन इस पॉइंट के बाद सैचुरेशन।
इधर मूव करेगा तो अभी एक्टिव में है, स्टिल एक्टिव चल रहा है, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, यहाँ पे पहुँचेगा तो कट ऑफ। ठीक है, तो जो लोड लाइन का मैक्सिमम पार्ट है 99% वो एक्टिव रीजन ही है। ठीक है सर, ये 2 मिली एम्स कैसे आया? सॉरी 2 मिली एम्स कैसे आया? ICG को 2 मिली एम्स, ये सैचुरेशन करंट की इक्वेशन आपको याद हो, IC सैट इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, तो VCC इज 12, RC इज 6K। ठीक है, तो इससे 2 मिली। ठीक है अब मैं ये मिटा रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटीज मेंशन की हैं, ये क्यू पॉइंट वैल्यूज हैं तीनों। ठीक है, अगर मैं अब इस चीज को यहाँ पे शो करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूँ और वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्वांटिटी प्लॉट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टॉप पे मैं प्लॉट करता हूँ आई बी को। ठीक है, दिस करंट, तो इसका प्लॉट कैसा होगा? 10 माइक्रो का, कांस्टेंट डीसी है, तो डीसी कांस्टेंट ही रहती है थ्रू आउट द टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो ये कांस्टेंट करंट होगा IBQ व्हाट एवर इट इज 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक हो गया, इसके साथ नीचे मैं प्लॉट करता हूँ IC को, नेक्स्ट क्वांटिटी, उसका प्लॉट कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ICQ वट एवर इट इज 1 मिली एम्पियर। देन मैं प्लॉट करता हूँ टाइम के अगेंस्ट VCE को, तो VCE का प्लॉट कैसा होगा? कांस्टेंट विद वैल्यू 6 वोल्ट। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने इन सारी क्वांटिटीज को, डीसी क्वांटिटीज को इधर टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया। अब जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट शुरू होने वाली है। अब मैंने इस ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज एन एम्पलीफायर, तो मैं इसको दूंगा एक इनपुट सिग्नल भी। तो इनपुट सिग्नल एक AC सिग्नल है जो कि मैं यहाँ पे इसको एज इनपुट दूंगा, तो मैं इनपुट लाइट से बेस की तरफ अप्लाई करता हूँ और आउटपुट मैं इसके कलेक्टर साइड से उठाता हूँ। ठीक है, तो बेस साइड पे मैं इनपुट किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ? लाइट से मैं यहाँ पे एक सोर्स अप्लाई करता हूँ, इसके साथ इस DC सोर्स के सीरीज में एक AC अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, इनपुट एज एन इनपुट। ठीक है, राइट, इस सिग्नल को मैं चाह रहा हूँ एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ इस सिग्नल को। अब मैं देखता हूँ कि ट्रांजिस्टर इस सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करेगा। इनपुट पे मैं सिग्नल जो दूंगा वो AC सिग्नल होगा, और फॉर एग्जांपल मैं एक साइनोसाइडल सिग्नल दे देता हूँ, कोई भी टाइम वेरिंग सिग्नल दे सकता हूँ, बट फॉर सिंपलिसिटी मैं इसको एक प्रॉपर सी नीट क्लीन सी एक साइन वेव अप्लाई कर देता हूँ एक सिग्नल AC सिग्नल वो होता है प्योर AC सिग्नल है, जितना ये पॉजिटिव जा रहा है उतना ही नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, जीरो से, तो ये इसकी पॉजिटिव पीक है, ये इसकी नेगेटिव पीक है, ये दोनों पीक सेम है। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि इस AC की वजह से ये सारी क्वांटिटीज
किस तरह से मिलेंगी मुझे, तो इसकी टॉप के ऊपर मैं ए सी भी प्लॉट कर लेता हूँ, इनपुट साइनोसाइडल। ठीक है, वही सिग्नल मैंने आप यहाँ पे दोबारा शो किया ऑन द टॉप ऑफ दीज क्वांटिटीज। अच्छा, आप जरा गौर से देख के मुझे बताएं कि जब मेरा ये इनपुट सिग्नल जीरो से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना, ये जो सिग्नल है ये बहुत छोटा सा सिग्नल है जिसको मैंने एम्पलीफाई करना है, ठीक है। एम्पलीफायर में इनपुट हमेशा आपकी एक स्मॉल सिग्नल होता है जिसको आप एम्पलीफाई करके उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सिग्नल ना माइक्रो वोल्ट में या मिली वोल्ट में, आप इसको एम्पलीफाई करके वोल्ट्स में लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है ये लेट्स से मिली वोल्ट्स के अंदर है, ठीक है। अब ये सिग्नल जीरो से बढ़ता हुआ पॉजिटिव जा रहा है, तो जब ये सिग्नल इंक्रीज करेगा तो इस करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आई बी के ऊपर? एनीवन कैन गेस? ये करंट इंक्रीज होगा, ऐसे ही अदनान? और आप लोग क्या कहते हैं? जी, आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एज वेल। क्वेश्चन रिपीट कर दें सर काइंडली। यस सर। जी, क्वेश्चन ये है कि अब आप देख रहे हो कि जो वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स था बैटरी, जो कांस्टेंट वैल्यू थी, उसके ऊपर मैंने एक एसी सिग्नल सीरीज में कनेक्ट कर दिए। इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज होगी दैट वुड बी सम ऑफ दीज टू, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ये दोनों, तो सीरीज में ये दोनों वोल्टेजेस क्या होंगी, ऐड होंगी अल्जेब्रिकली। जब ये पॉजिटिव होगी तो ये इसमें ऐड होगी, जब ये नेगेटिव जाएगी तो ये इसमें से सबट्रैक्ट होगी, ठीक है। ये वोल्टेज 5 वोल्ट से कभी बढ़ेगी भी और 5 वोल्ट से कम भी होगी। जो इफेक्टिव वोल्टेज इस इन पॉइंट दो पॉइंट्स के दरमियान आएगी दैट वुड बी सम ऑफ दीज टू सोर्सेस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब इनपुट इंक्रीज होगी पॉजिटिव साइकिल में जाएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो आई बी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो ये कितना फर्क पड़ेगा, और करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा? आपने अपने जो है ना वो पहले जो बात की थी उसे बदल गए? नहीं, मैं दोनों दे रहा हूँ ना, डीसी भी दे रहा हूँ और साथ एसी भी अप्लाइड है सीरीज में। अब जो है ना मेरा ये तो 5 वोल्ट पे फिक्स है, इनपुट मेरी अब जीरो से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, इसके इंक्रीज होने से, जीरो से इंक्रीज होने से आई बी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अदनान कह रहे हैं कि वो इंक्रीज होगा, आप लोग बताएं? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नजम ने कहा जी इंक्रीज होगा, और कोई कुछ कहना चाहे या बाकियों को कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा? डिक्रीज होगा सर। आयशा ने बोल दिया डिक्रीज होगा। आप ये पीपल्स पार्टी की आ गए, हम तो पीटीआई के हैं सारे, हमारा वोट उधर है। हाँ जी सर, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब बढ़ी है तो फिर डिक्रीज ही होगा। अच्छा, देखो ये मैं लिखता हूँ आई बी इज इक्वल टू VBB माइनस 0.7 डिवाइड बाय RB, ठीक है। आप VBB थे 5 वोल्ट, 0.7 डिवाइड बाय RB जो भी थी 430 के, तो ऐसा कितना करंट आया था? टेन माइक्रो एम्पेयर आया था, ऐसे ही है? आप, मैं कह रहा हूँ कि VBB के साथ मैंने एक वोल्टेज सोर्स भी साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो ये जो वोल्टेज सोर्स है अब 5 वोल्ट से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 5 से ना, ये लेट से 5.1 हो गया, तो ये करंट कितना होगा?
ये करंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ या अनचेंज्ड है? क्यों? पहले 5 था, 5 वोल्ट थे तो 10 माइक्रो था, अब 5.1 हो गया. आप देखें ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो ये करंट भी क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएगा 0.02 के फ्रैक्शन से. ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप ये नंबर इंक्रीज हो गया. यहाँ पे 5 वोल्ट है तो करंट 10 है, यहाँ पे 10 वोल्ट कर दो तो करंट डबल हो जाएगा. ठीक है, 20 माइक्रो पे चला जाएगा. ठीक है, यस सर, सही. तो जो जो ये वोल्टेज इंक्रीज होंगे ये करंट भी इंक्रीज होगा. इसी तरह से अगर मेरा ये सिग्नल 0 से डिक्रीज होगा तो ये करंट भी डिक्रीज होगा. इसका मतलब है कि यहाँ जो करंट है दैट वुड बी प्लस माइनस स्मॉल आई बी. स्मॉल आई बी इज द एसी कंपोनेंट ऑफ दिस करंट आई बी ड्यू टू दिस एसी सिग्नल. तो जितना एसी सिग्नल बढ़ेगा उतना ये करंट ऐड होगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा एसी सिग्नल का उतना ये करंट सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, so there would be a change in the base current due to this AC signal. ठीक है, इसको मैं small subscript से note कर रहा हूँ. तो ये जो quantity होगी ये AC quantity है और ये जो quantity है ये सिर्फ DC quantity. ठीक है, तो इसका मतलब इस base current में जो total base current है इस circuit का with both applied would have two components, one is DC and other one would be AC. ठीक है. अच्छा, अब अगर आई बी में चेंज आ रहा है तो आई सी में क्या होगा? अब आई बी बड़ा है तो आई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा आई सी. और अगर आई बी कम हुआ है तो आई सी भी कम हो जाएगा. ठीक है, इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं डी सी एंड ए सी. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट बी सी ई? उसके अंदर भी चेंज आएगा. ठीक है ना, तो आप ज़रा देखें यहाँ पे मैंने इनको देखना चाह रहा हूँ, प्लॉट करना चाह रहा हूँ. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई बी को जब मैं देखूँगा तो जो जो मेरे इनपुट सिग्नल इंक्रीज होगा तो आपने देखा कि आई बी भी कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होगा. ठीक है, तो आई बी भी इंक्रीज होगा. तो आई बी में चेंज आएगा, आई बी इंक्रीज होगा और आई बी इनपुट डिक्रीज होगी तो आई बी भी डिक्रीज होगा. ठीक है, एंड सो तो ये आई बी का ये रिस्पॉन्स है. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग. और देन इसका इफेक्ट आई सी के ऊपर कैसे पड़ेगा? यू नो कि जो आई बी और आई सी का रिलेशनशिप है बीटा के साथ, तो ये जो करंट है ये बीटा टाइम्स ज़्यादा होगा. ठीक है ना, कलेक्टर पे. तो इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो भी, अगर आई बी इंक्रीज हो रहा है तो आई सी भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसके जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई बी से बीटा टाइम्स ज़्यादा होगा. तो अगर ये 1 है और बीटा 100 है तो ये 100 टाइम्स इससे बड़ा होगा. ठीक है, यस सर. और इसी तरह से इस तरफ जाते हुए ये इस तरह से, मैं अभी इसको शो कर रहा हूँ, ये बाउंड्री टच नहीं कर रहा, लेकिन ये आगे चल के देखेंगे बाउंड्री टच भी हो सकती है. तो कलेक्टर के ऊपर करंट ना आपको इन लार्ज होके मिलेगा इनपुट साइड के परस्पेक्टिव में. आउटपुट करंट कलेक्टर साइड पे करंट इन लार्ज इन्हेंस होके मिलेगा आपको. कितना इन्हेंस होगा? बीटा टाइम्स इन्हेंस होगा, बीटा टाइम्स आई बी. ठीक है, एंड वट अबाउट वी सी ई? इसके कॉरस्पॉन्डिंग वी सी पे, वी सी ई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जो जो आई सी इंक्रीज होगा वी सी ई डिक्रीज करेगी, इसका इम्पैक्ट उलट आएगा. ठीक है ना, उल्टा इफेक्ट आएगा. इसमें भी अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा. ठीक है, दिस इज वॉट वी सी ई जो है ना, वो जब आई सी इंक्रीज होगा ना वी सी ई डिक्रीज करेगी, क्योंकि वी सी ई का रिलेशनशिप अगर आपको याद हो वो होता है वी सी सी माइनस
आई सी आर सी। तो अगर आई सी इंक्रीज करता है तो वी सी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये फैक्टर जो है ना वो बढ़ता जाएगा, इसमें से ज़्यादा बड़ा फैक्टर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू नीचे हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ ये 12 है और ये पहले 6 था तो कितना हो जाएंगे आंसर 6, और ये 12 है और ये बढ़ के ये फैक्टर 8 हो गया, बढ़ गया ये फैक्टर आई सी के बढ़ने से ये इंक्रीज होगा तो ये वोल्टेज कहाँ चली जाएगी, 4 पर चली जाएगी। तो आप देखें वी सी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो वी सी डिक्रीज करेगी कॉरस्पॉन्डिंग, और अगर आई सी कम होगा तो वी सी क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये अगर 12 है और ये 6 के बजाय 4 पे आ जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8, तो वी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका ना इफेक्ट इसके ऊपर उल्टा आता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं अपना लोड ना यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पीकर लगाया हुआ है। ठीक है, तो इससे मैं आउटपुट ले सकता हूँ इस जगह पे, आउटपुट आउटपुट किसके इक्वल होगी इस जगह पे, आई सी इंटू आर सी। ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट है। ठीक है, इसको मैं कैपिटल रख लेता हूँ, कैपिटल आई सी इंटू आर सी। तो जो जो करंट आर सी तो फिक्स है, जो जो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा आउटपुट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसके नीचे ना मैं आउटपुट को भी प्लॉट कर देता हूँ, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी आउटपुट कैसी आ जाएगी, ये राइट। अब हमने इस पूरी पिक्चर में सबसे टॉप पे मैंने दी थी इनपुट जो कि फ्यू मिलीवोल्ट्स होगी, और आई एम एक्सपेक्टिंग जो मेरी आउटपुट आएगी इसके रिफ्लेक्शन पे आउटपुट के ऊपर, दैट शुड बी एम्पलीफाइड एंड इट शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से मिलीवोल्ट, इट शुड बी इन वोल्ट्स। ठीक है, क्या ख्याल है, सिग्नल मिलीवोल्ट ना था, इसको वोल्ट में ले जाएगा। ठीक है, yes, sir, amplify हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे आपने देखी कि किस तरह से एसी सिग्नल ट्रांजिस्टर में से पास हो रहा है इनपुट से बेस करंट के साथ, और वही बेस करंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कलेक्टर में। बेस करंट की शेप साइनोसाइडल होगी अगर इनपुट साइनोसाइडल है, अगर इनपुट साइनोसाइडल नहीं है कोई और वेव फॉर्म है तो बेस करंट की शेप कैसी होगी, उस वेव फॉर्म के जैसी होगी। ठीक है, अभी जो इनपुट है वो साइनोसाइडल है तो बेस करंट भी साइनोसाइडल होगा। ठीक है, यस सर। और ये पॉसिबल है जब आपने इसको एक्टिव रीजन में बायस किया हुआ, और ये जो साइनोसाइडल इफेक्ट है ये आगे प्रोपोगेट करेगा एट द आउटपुट। ठीक है, और जो आउटपुट क्वांटिटीज हैं वो भी साइनोसाइडल रहेंगी। कलेक्टर करंट है चाहे वो भी साइनोसाइडल होगा, या कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है उसका इफेक्ट भी यही रहेगा, और उससे अगर कोई रेजिस्टेंस है जो कि एज अ लोड आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो उस लोड के ऊपर जो वोल्टेज होगी वो भी साइनोसाइडल ही रहेगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक नॉमेनक्लेचर जो हम यूज़ कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी, उसमें डीसी को हम हमेशा, डीसी क्वांटिटीज को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ जो है वो लेबल कर रहे हैं, तो उसका सबस्क्रिप्ट भी कैपिटल लेटर है। जो एसी क्वांटिटीज हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स और उनके सबस्क्रिप्ट को भी स्मॉल लेटर, और दोनों का जो एडिशन है उसका जो नेट रिजल्ट होगा उसको मैं स्मॉल लेटर विद कैपिटल सबस्क्रिप्ट और विद रिस्पेक्ट टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैं उसको लिखूंगा। ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू आई बी क्यू प्लस आई सी। ठीक है, तो ये दिस वुड बी डी सी प्लस ए सी। ठीक है,
तो एसी क्वांटिटी में देख के ही आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसका जो वेरिएबल होगा उसको हम स्मॉल लेटर और विद कैपिटल लेटर सबस्क्रिप्ट, मतलब ये मिक्सचर होगा दोनों का। तो यहाँ पे जब मैं इन क्वांटिटीज को देखता हूँ तो ये इसमें दोनों प्रेजेंट है, डीसी भी प्रेजेंट है और एसी भी। इनके लेबल क्या होना चाहिए, फिर इसका लेबल क्या होना चाहिए, आई बी इंटू टी। इसका लेबल क्या होना चाहिए, आई सी इंटू टी। और इसका स्मॉल वी सी ई इंटू टी, एंड दिस इज आउटपुट ऑफ टी, दिस इज इनपुट ऑफ। ठीक है, तो इनपुट आपकी साइनोसाइडल है, वी इन ऑफ टी, ठीक है, वी पी साइन मेगा टी। एक फंक्शन है साइन फंक्शन, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ द सिग्नल जो कि मिलीवोल्ट्स है। ठीक है, यस सर, यस, ओके। अच्छा, अब इस सर्किट को कंसेप्चुअली हमने देख लिया कि किस तरह से एज एम्पलीफायर काम कर रहा है। अब हम इस सर्किट का एनालिसिस करना चाह रहे हैं और एनालिसिस करके देखना चाह रहे हैं कि ये कितना एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को। यहाँ पे मैंने सिग्नल दिया है, उसको एक आउटपुट भी जनरेट कर रहा है। तो आउटपुट और इनपुट में, आउटपुट और इनपुट में कितना जो है वो चेंज है, कितना एम्पलीफाई हुई है। तो एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफायर के लिए ये जो नंबर है, ये एम्पलीफायर का कौन से पैरामीटर से डिफाइन होता है, शुरू में बताया था मैंने क्लास के शुरू में कि वो जो गेन है ना, वो मुझे बताता है कि ये सिग्नल कितना एम्पलीफाई होगा। इसका मतलब मैं इसका क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, गेन। ये जो गेन फाइंड करना है, ये मेरा आएगा एसी एनालिसिस से, एसी एनालिसिस करके, जो कि हम चैप्टर 5 में ये चीज करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 5 इज अबाउट एसी एनालिसिस विच इज कैरीड आउट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर टू फाइंड आउट इट्स एसी पैरामीटर। ये पैरामीटर मुझे बताएगा कि ये सिग्नल कितना एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे आएगा। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि एम्पलीफायर का ये पैरामीटर की क्या वैल्यू है, तो मैं बता सकता हूँ कि आउटपुट कितनी होगी फॉर एनी गिवन इनपुट। तो इनपुट में कितनी जो दे रहा हूँ वो कितनी एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे आएगी, ये मुझे बताएगा। ठीक है, तो ये इसकी, ये अगर ये मैं लेट से ये देता हूँ 1 वोल्ट, तो ये कितना वोल्ट आएंगे ये मुझे बताना है। कितने वोल्ट आएंगे आउटपुट, वो मैं बताऊँगा इंटू वी इन, गेन वी इन 1 है। अगर ये मुझे पता होता तो मैं आउटपुट बता देता। लेट से गेन 2 है, तो 2 × 1 2 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है, सही है ना। तो गेन मेरे लिए इस सर्किट का फाइंड आउट करना ज़रूरी है टू सी। अच्छा, अब इस सर्किट में चूंकि दोनों क्वांटिटीज हैं, डीसी भी है और एसी भी, ठीक है, ये क्वांटिटी भी मैं फाइंड कर लूँ, ये क्वांटिटी भी मैं फाइंड कर लूँ, ठीक है, तो ये पिक्चर मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, और इसमें मुझे पता चल जाएगा कि इसकी पीक वैल्यू क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पीक कितनी होगी, ये पीक कितनी होगी और ये पीक कितनी होगी। ठीक है, और उनकी रेशियो। तो डीसी एनालिसिस मैं अलहदा से परफॉर्म कर लूँ, एसी एनालिसिस मैं अलहदा से परफॉर्म कर लूँ, ठीक है, तो मैं फिर ये चीज़ फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, डीसी एनालिसिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम आते हैं एसी एनालिसिस। टेक 1 मिनट ब्रेक। कौन कौन आया हुआ, एहसन, आयशा, बुरहान, हसनैन, मुदस्सर, अली नवाज, हसनैन, अब्बासी साहब, उमर, नजम, तलहा अकरम, अंजला और अदनान।
पानी खाने पीना पी लो, मैं पी आता हूँ बस। जी वेलकम बैक, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। यस सर। ओके गुड। अच्छा अब जो आपको स्क्रीन पे सर्किट नजर आ रहा है इसको रिकॉग्नाइज करें। कौन सा ये? कौन सा एसी तो है? कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है जी? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है ये? बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है सर? एसी वोल्टेज डिवाइडर बायस। यस जी वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसमें डीसी सोर्स अप्लाइड है कहीं पे बायसिंग के लिए? नो सर। नहीं नजर आ रहा कहीं? ढूंढो। किसी को नजर आया डीसी बायसिंग कहाँ पे हो रही है इसमें?
सर बैटरी तो नहीं नजर आ रही, एसी सोर्स ही नजर आ रहा है। एसी सोर्स नजर आ रहा, बैटरी नहीं नजर आ रही, किसी को भी नहीं नजर आ रही। हाँ वीसीसी सर, बिल्कुल वीसीसी जो है ना इसकी बैटरी है, ये देखो ना बोर्ड पे, बोर्ड पे कहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये वीसीसी बैटरी है 12 वोल्ट फिक्स। ये किसके लगी हुई है, ये इसके कलेक्टर साइड को बायस कर रही है, कलेक्टर को, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर रही है, ऐसे ही है। ये बैटरी किसके लगी हुई है, ये बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है, ये इसको फॉरवर्ड बायस कर रही है बेस एमिटर को, ये बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बैटरीज कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी जो मैंने सर्किट दिखाया आपको, ये इसमें जो बायसिंग हो रही है वो एक ही बैटरी से है, सिंगल बैटरी से, जो कि आउटपुट कलेक्टर साइड पे कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रही है, और यही बैटरी बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है। तो इस बैटरी का डुअल पर्पस है, ठीक है। तो इसका क्यू पॉइंट आप लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं ये कंपोनेंट वैल्यूज दे दूं, बीटा दे दूं और वीसीसी दे दूं, तो क्यू पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। अदनान कह रहे हैं यस, आप लोग क्या कह रहे हैं सर, क्यू पॉइंट फाइंड हो जाएगा, क्यू पॉइंट फाइंड हो जाएगा, गुड भाई साहब, ये बात है बिल्कुल। इसका ना आप चैप्टर 4 में ना इस सर्किट का डीसी एनालिसिस आप लोगों ने एग्जैक्ट एनालिसिस और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करके दोनों मेथड सीखे हुए हैं, उनको यूज़ करके आप इसका क्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे क्यू पॉइंट क्यू डीसी एनालिसिस की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं ये पहले से सीख चुका हूँ, ठीक है। मेरा फोकस अब किस पे होगा, एसी एनालिसिस पर, ठीक है। अब बताओ कि जब मैंने इसका डीसी एनालिसिस किया था तो मैंने एसी सोर्स के साथ क्या हशर किया था, मैंने इसके बारे में क्या कहा था आपको, इसके लिए क्या करना है, इसको क्या करना है, सुपरपोजिशन याद करें, किसी को भी नहीं याद आ रहा। देखे ना दो सोर्सेज लगे हों, एक ये डीसी सोर्स है और एक ये एसी सोर्स। तो जब आपने डीसी एनालिसिस किया था तो इसको आपने क्या कहा था, इसको क्या करना, इसको जीरो करना है ना, इसको कर देंगे, जी सर, ओपन करके इसको जीरो कर देंगे। कैपेसिटर का क्या था, कैपेसिटर क्या हुआ था, ओपन हो गया था, उसकी क्या स्टेट थी, ओपन हो गया था कैपेसिटर, ओपन हो गया था तीनों, और बीच में ये सर्किट रह गया था, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैंने एसी भी अप्लाई कर दी, डीसी के साथ एसी भी अप्लाई कर दी, और एसी में देखो कहाँ पे अप्लाई किया, बेस साइड के ऊपर, थ्रू दिस कैपेसिटर बेस साइड पे कनेक्ट किया, और आउटपुट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, कलेक्टर साइड से ले रहा हूँ विद थ्रू अ कैपेसिटर, ठीक है। और आप देखोगे कि ये आउटपुट आपकी तकरीबन ये आरसी के क्रॉस ही आ रही होगी, ठीक है। तो जो आउटपुट और जो वोल्टेज क्रॉस आरसी है वो सेम ही होगी, ठीक है। तो जब यहाँ जो अभी हम एम्पलीफायर की बात कर रहे थे, कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है ना, इससे मैं आउटपुट ले रहा हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस आउटपुट, ओके। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं अगर एसी एनालिसिस करना चाह रहा हूँ इस सर्किट का, तो डीसी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डीसी के साथ क्या करना है, अगेन थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ सुपरपोजिशन, जब इस सोर्स के साथ करना है तो इसको क्या करना है, जब इस सोर्स के साथ किया था तो इसको जीरो किया था, अब मैं इसके साथ कर रहा हूं तो इसको क्या करूंगा, माउस नजर आ रहा ना,
बच्चों क्यों ब्लैंक हो जाते हो? सुपरपोजिशन का मतलब ये है, सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ ना, जब किसी एक सोर्स के साथ करते हो तो बाकी सोर्सेज को जीरो कर देते हो। जी सर, सिंपल सिंपल सी बात है ना। तो रिस्पॉन्ड किया करो ना, चुप करके बैठ जाते हो। जब मैं इस सोर्स को रखूंगा, अब मैं चूंकि एसी एनालिसिस करने जा रहा हूं, तो मैं एसी को रखूंगा और डीसी को जीरो कर दूंगा। डीसी एनालिसिस में डीसी को रखना और एसी को जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, वीसीसी की जगह पे आपका आ जाएगा ग्राउंड। तो ग्राउंड चूंकि जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा। वट अबाउट कैपेसिटर्स? तो कैपेसिटर को ना हम पहले हमने ओपन किया था, अब इनको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ये दो चीज़ें नोट कर लें, एसी एनालिसिस में डीसी सोर्सेज को जीरो करना है और कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट ट्रीट करना, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, अब जो मॉडिफाइड सर्किट होगा ना वो ये हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन स्प्लिट नहीं हो सकती, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता दोनों। एनीवेज ये जो टॉप के ऊपर वीसीसी जीरो हो गई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी कैपिटल आ रही, वो भी जीरो हो गई है। उसकी वजह यह कि ये कैपेसिटर क्या हो गया, ये कैपेसिटर C3 ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ से ये शॉर्ट, ये एमिटर डायरेक्ट कहाँ चला गया, ग्राउंड पे चला गया, ठीक है। एमिटर ग्राउंड हो गया डायरेक्ट और वीसीसी जीरो हो गई, एसी आपकी वैसे रही। यहाँ जो कैपेसिटर्स थे ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया और C3 भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर बाइस्ड, इसकी जो शेप है ना वो इस तरह से बदल गई है। इसके बाद हम ये करते हैं कि जितने भी ग्राउंड्स है ना उनको हम कॉमन कर देते हैं। ग्राउंड को सबसे नीचे लेके आते हैं, ठीक है ना, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं ग्राउंड हो रहे हैं उनको हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे R1 है, R1 इस पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरी साइड इसकी ग्राउंडेड है। तो अब अगली शक्ल में ये इस तरह से नज़र आ जाएगा, ये वाला R1 नीचे आ जाएगा। और जब नीचे आएगा तो R1 और R2 क्या हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जब नीचे आएगा तो R1 और R2 पैरेलल हो जाएंगे। RC कलेक्टर से ग्राउंड पे चला जाएगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हो RC कलेक्टर से पहले ये ऊपर लगा हुआ था, अब ये ग्राउंड पे चला गया। तो ग्राउंड सारे एक तरफ आ गए, ठीक है, ये सारे ग्राउंड एक तरफ आ गए और जो जो कंपोनेंट्स थे ग्राउंड के ऊपर वो ग्राउंड पे अटैच हो गया, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से मैं किस तरह से आगे लेके चलूँगा वो हम देखते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अब AC इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। इसको कहते हैं रीड्रॉन ऑफ स्मॉल सिग्नल AC, रीड्रॉन फॉर स्मॉल सिग्नल AC एनालिसिस, ठीक है। और दिस इज द ट्रांजिस्टर स्मॉल सिग्नल AC इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। दिस इज AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन एम्पलीफायर, ओके। सो अब ये जो ट्रांजिस्टर है जिसको उसने डॉटेड में रिप्रेजेंट किया और एक ब्लू रीजन में इसको कन्फाइन किया और रिप्रेजेंट किया, इसकी जगह पे हम एक ट्रांजिस्टर का स्मॉल सिग्नल AC मॉडल रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हम इस ट्रांजिस्टर को मॉडल करना चाह रहे हैं विद एन AC इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि मॉडल होता क्या, व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या होता, डिवाइस का मॉडल क्या होता, एनीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मॉडल। मॉडल कभी कहीं पढ़ा आपने ये लफ्ज, अदनान? नहीं, अदनान कह रहा नहीं पढ़ा। बासी साहब? सर मॉडल मतलब जो उसका एक मतलब ब्लॉक डायग्राम वगैरह, या फिर मतलब जो उसका बेसिक जो उसमें चीज हो रही होती है वो।
मुराद है। आइडियल मॉडल क्या होता है? आइडियल मॉडल किसी कंपोनेंट का आपने आइडियल मॉडल कभी देखा? डायोड का आइडियल मॉडल नहीं देखा यार? यस सर देखा है। तो डायोड के जब अपने मॉडल पढ़े थे इक्विवेलेंट सर्किट्स, कौन कौन से पढ़े थे? सर आइडियल पढ़ा था, पीस वाइज पढ़ा था। जी बिल्कुल, पीस वाइज पढ़ा था, सिंपलीफाइड पढ़ा था आइडियल मॉडल। जी सर। वो मॉडल बेसिकली क्या कर रहा था? मॉडल आपका उस डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके बिहेवियर को, कि आप डायोड के बजाय उसको उसके इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप कहते डायोड 0.7 वोल्ट की बैटरी के साथ मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या डायोड को मैं एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस के साथ मैं उसको इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, सो सेम कंसेप्ट इज कैरिड फॉरवर्ड फॉर ट्रांजिस्टर्स। द ट्रांजिस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट सर्किट कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स आर बैटरीज आर करंट सोर्सेज, राइट, एंड द मॉडल वुड रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ दैट डिवाइस ऑन द ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है, ऑन द क्यू पॉइंट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा या ऑपरेटिंग कंडीशन होगी, उसके अगेंस्ट ट्रांजिस्टर को मैं मॉडल कर सकता हूँ इनटू इट्स इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। सो अ मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स प्रॉपरली चूजन दैट बेस्ट अप्रोक्सीमेट्स द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस अंडर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग कंडीशंस। ठीक है, तो मॉडल वुड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ द सर्किट, मीन बिहेवियर ऑफ द सर्किट इज कैप्चर्ड थ्रू दैट मॉडल। ठीक है, तो डायोड को मैं जैसे बैटरी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो उसके फॉरवर्ड बायस रीजन में जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो 0.7 की बैटरी के साथ इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, उसका बिहेवियर वहाँ पे वो 0.7 वोल्ट बैटरी की तरह ही शो करता है। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज मॉडल्ड एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट सर्किट, और वो हम देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर मैं ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में क्यू पॉइंट के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय इट्स मॉडल। सो टूवर्ड्स दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इस तरह से शो करता हूँ इस सिंबल के साथ, यहाँ पे इसको निकाल दो। सो वो जो ब्लैक, वो जो ग्रीन, सॉरी ब्लू शेडेड बॉक्स के अंदर जो वहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया था ट्रांजिस्टर को, वही चीज में आप उसका एक टुकड़ी उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, वही ट्रांजिस्टर यहाँ पे आ गया जिसमें कि ये क्वांटिटीज डिफाइंड है आई बी, ठीक है, वी बी ई बेस पर मीटर वोल्टेज, और इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट आई ई, और यहाँ से जो करंट आएगा आई सी। ठीक है, इनपुट आप बेस साइड पर अप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस। तो इस सर्किट में सिर्फ एसी क्वांटिटीज उसने डिफाइन की हैं, राइट, जस्ट एसी क्वांटिटीज। अब बेस टू एमिटर जंक्शन ये क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है, आपको पता है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो मैं इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मॉडल क्या होगा? एनीवन, इसकी करेक्टरिस्टिक ये होगी। ठीक है, बेस एमिटर जंक्शन की करेक्टरिस्टिक आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन जो होता है वो एक डायोड की तरह बिहेव करता है, और डायोड
की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है, और ये उसके दो पैरामीटर हैं वी बी ई एंड आई ई। दिस इज वी बी ई एंड दिस इज करंट आई ई जो कि बेस एमिटर जंक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायोड, यू कैन सी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायोड एंड द रिलेशनशिप ऑफ दीज क्वांटिटीज वी वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इट इज डिफाइंड एज द करैक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड, ठीक है। अब डायोड डीसी के लिए डायोड का मॉडल क्या होता है, जो डीसी अगर यहाँ अप्लाइड हो तो डीसी के लिए मॉडल क्या होगा डायोड की, जिसको मैं किस इक्विवेलेंट सर्किट सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करूँगा, सॉरी सर्किट कंपोनेंट के साथ। लेकिन अगर ये डीसी हो तो ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन हो तो ये 0.7 आ जाएगा ना, ऐसे ही ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर ये 0.7 आ जाएगा इसके बैटरी सिंबल। और अगर डीसी भी हो और एसी भी हो तो आप क्या करेंगे, जी इसको इस तरह से देखो, लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा सर, बस कर दें सर। या समझ आ रहा, अच्छा सैचुरेट कर गए हो, थैंक यू सर। सैचुरेट तो नहीं कर गए, इसके इससे पहले ना मैं करता हूँ वी डी और आई डी, ये प्लॉट तो आपने देखा है ना पहले 0.7, ठीक है। अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ डीसी अप्लाई करके इस पॉइंट के ऊपर जो कि मेरा क्यू पॉइंट है, और इसके बाद मैं एसी अप्लाई करता हूँ तो ये क्यू पॉइंट इस पॉइंट लोकेशन से मूव करेगा अप एंड डाउन, ठीक है। इसके इस पॉइंट पे मूव करेगा, जब मैं डीसी अप्लाई करूंगा तो ये स्टिल इस पॉइंट पे होगा डीसी के लिए, और जब मैं एसी अप्लाई करूंगा तो ये मूव करेगा इस पॉइंट के अराउंड, हिलना शुरू होगा इसके अराउंड, ठीक है। तो डीसी सिर्फ अगर डीसी है तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डायोड को एक बैटरी के साथ, ये मेरी डायोड थी इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं एक बैटरी के साथ 0.7 वोल्ट की। और जब मैं इसको एसी अप्लाई करता हूँ तो इस डायोड को मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूँगा एसी के लिए, आपको याद होगा जब हमने एसी सिर्फ डायोड को सिर्फ एसी अप्लाई करते हैं तो हमने डिफाइन की थी एक क्वांटिटी डायनामिक रेजिस्टेंस, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था आर स्मॉल आर डी के साथ, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई डी, वेयर आई डी इज द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। यही चीज मैं अब ट्रांजिस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और ट्रांजिस्टर की कर्व भी ऐसे ही है, और इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर विद एप्लीकेशन ऑफ डीसी, और फिर इसके ऊपर मैं एसी अप्लाई करूँगा जब, ठीक है।
ठीक है, अभी आपने वेव फॉर्म देखी थी, वहाँ से जो बेस करंट किस तरह से चेंज हो रहा था उससे मीटर करंट। तो इसकी जो डायनामिक रेजिस्टेंस होगी इसको मैं कहूँगा स्मॉल आर ई। ठीक है, ये डायोड की थी, ये आप ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर जंक्शन की, तो ई फॉर एमिटर, एमिटर के लिए उसकी डायनामिक रेजिस्टेंस, एंड दैट इज डिफाइंड एज 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल आई ई। पहले डायोड करंट था, अब एमिटर करंट यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो दिस इज द डायनामिक रेजिस्टेंस जो कि हम यूज करेंगे डायोड के लिए आर डी। ठीक है, और दिस इज द डायनामिक रेजिस्टेंस जो कि हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर के लिए। दिस इज फॉर ट्रांजिस्टर, दिस इज फॉर डायोड। ठीक है, एंड बोथ आर व्हेन दे आर फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो दोनों केस में जो चीज़ कॉमन है दोनों में वो क्या है कि दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को इस रेजिस्टेंस के साथ मॉडल कर रहे हैं एसी के लिए, और एसी के लिए डायोड जो है वो दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड विद अ डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, सो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, सो बेस एमिटर जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मॉडल। ठीक है, Now with the output parameters, output side, जिस तरह से हमने input side पर देख लिया base emitter voltage और जो इसमें से current है input current, उनको जब relate किया तो एक dynamic resistance होगी। अब output parameters में एक मेरे पास आ रहा है VCE और दूसरा आ रहा है IC। ठीक है, इन दोनों का जो relationship है वो हमें पता है collector characteristics से। इसका x एक्सिस पे VCE है ये वाला पैरामीटर, और y एक्सिस पे ये वाला पैरामीटर। ठीक है, और ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं विद दीज करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन करेक्टरिस्टिक्स को मैं किस तरह से मॉडल करूँगा अब वो हमने नेक्स्ट देखना। So for a wide range of this voltage doesn't affect the current IC. ठीक है, over a wide range you can see this current remains constant for large range of voltage VCE. But this current depends upon this base current IB. If this current changes, if it is increased, IC would be increased. ठीक है ना, IC जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, IB पे डिपेंड कर रहा है। IB बढ़ता है, अगर IB 1 से IB 2 हो जाता है तो करंट इस लेवल से इस लेवल पर चला जाएगा, ये करंट अगर और इंक्रीज करता है IB 3 पे चला जाता है, करंट इस लेवल पर चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा एंड सो ऑन। So current is increasing, ठीक है ना, as IB is increasing, ठीक है। So this parameter which is shown here is represented by a dependent current source, ठीक है। A dependent current source is the source whose value depends on some quantity, ठीक है ना, some other quantity like IB. In this case the IC depends upon IB, ठीक है, IC depends upon IB. So this dependency is shown by a dependent current source, ठीक है। Why it is current source? Because this current is behaving as a current source, ठीक है, behaving as a current source. Current source वो होता है कि जो अपने करंट को क्या रखता है, मेंटेन रखता है वट एवर द आउटपुट वोल्टेज यू आर टेकिंग फ्रॉम इट, ठीक है। तो दिस इज अ करंट सोर्स बिकॉज इट्स करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट
whatever the voltage you are applying here at VCE, the VC जो भी हो उससे इस करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये क्या होगा, ये करंट सोर्स होगा और करंट सोर्स के बाद डिपेंडेंट करंट सोर्स क्यों होगा, क्योंकि ये किसी और पैरामीटर पे डिपेंड भी कर रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू हैर गॉन थ्रू सम डिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज भी होते हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस मॉडल वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ दिस टर्मिनल्स एज अ करंट सोर्स ऑफ दिस काइंड। So transistor is behaving as a current source for the output terminals and behaving as a resistance at the input terminals, and our equivalent circuit model would result in this shape, okay? And you can apply the transistor equation at this node as IB plus IC would be equal to IE, okay? तो ये जो ट्रांजिस्टर की इक्वेशन है वो यहाँ पे वैलिड रहेगी। इस सर्किट को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे थ्रू दीज इक्वेशंस, कुछ मैनिपुलेशन करके वी वुड मॉडिफाई दिस सर्किट विद दिस इक्विवेलेंट। सही है, वही दो रेजिस्टेंसेज हैं, सॉरी वही दो कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस एट अ करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, बट दिस रेजिस्टेंस इज बिट चेंज्ड, इट बिकम नाउ बीटा आर ई as compared to just RE. Why it becomes beta RE? यहाँ से हमने इसको manipulate करके इस तरह से represent किया, और current source वैसे ही आपको collector to emitter यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी collector to emitter यहाँ पर था पहले भी, ठीक है, मतलब collector to emitter इस तरह से नहीं है, कलेक्टर टू बेस है, बट जिस तरह से मैंने इसको दोबारा रीड्रा किया, इट इज शिफ्टेड एंड लुक लाइक दैट इट इज नाउ बिकमिंग एट द एमिटर। सो दिस टर्मिनल बिकम्स एमिटर, करंट आई बी इज स्टिल एंटरिंग इनटू द एमिटर, आई सी इज आल्सो एंटरिंग इनटू दिस टर्मिनल, एंड सम ऑफ दिस टू करंट वुड बी आई बी प्लस आई सी वुड बी इक्वल टू आई ई। इसको हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट पे दोबारा से देख लेंगे, और ये इक्वेशंस इस तरह से आई हैं, और ये जो कन्वर्जन है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इसको फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस मॉडल में थोड़ी सी एक और चेंज आएगी, जो कि यहाँ पे एक आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इससे रिप्रेजेंट होगी, ये क्या होती है इसको भी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, ये आर नॉट, दिस आर नॉट। Once we have done with this equivalent model, और उसके बाद हम इस मॉडल को हमने बाद में सर्किट में यूज़ करना है लाइक दिस, ठीक है, ये शेडेड रीजन में वही मॉडल यहाँ पे आ गया वापस, और इसको एनालाइज करके फिर हमने ट्रांजिस्टर का गेन फाइंड करना है, ठीक है, दिस इज द गेन, और ये गेन इन सर्किट के पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, आर सी जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर जो कि डायनामिक रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन, आयशा बुरहान, हसनैन अली नवाज, हसनैन जावेद, नजम, तलहा करम, अंजला, जैद खान, जैद खान ने अब एंट्री मारी है, बहुत तेज हो जैद खान, समझ आया कुछ, आर यू देयर मिस्टर जैद खान, एब्सेंट हो गया, एब्सेंट, और कौन है एब्सेंट, तलहा अकरम, टेंडेंस शुरू हो गई है, अंजला, यस सर, नजम, प्रेजेंट, मोहम्मद उमर, यस सर, हसनैन जावेद,
अली नवाज यस सर प्रेजेंट हसनैन शफकात यस सर प्रेजेंट बुरहान अली ये सोया हुआ होगा सर क्या कह रहा है हसनैन क्या कह रहा है बुरहान नहीं है आयशा जैद वापस आए कि नहीं और उमैर नहीं सर अभी चले असाइनमेंट सबमिट हो गया डेडलाइन खत्म हो गई अभी है सर सबमिट हो गई डेडलाइन खत्म हो गई सर चले सर 18 पर भी डेडलाइन इस दफा आपने असाइनमेंट आ रही सॉरी दोबारा रिपीट करा सर डेडलाइन क्या थी असाइनमेंट की मैंने तो आज सबमिट कराई है सर 18 पर डेडलाइन पूछ रहा यार मुझे नहीं याद मैं बता दूंगा आपको व्हाट्सएप पर चैप्टर 4 से एक और असाइनमेंट आ रही है और साथ ही चैप्टर 5 से भी आने वाली है नेक्स्ट क्लास के बाद जी बहुत काम है थोड़ी दो असाइनमेंट्स आपकी और आ रही हैं जल्द ही ठीक है सर लास्ट वीक का क्लासेस था नहीं अभी क्लियर नहीं है कल की क्लास हम लेते हैं उसके बाद ना चीज़ें क्लियर होंगी फिर तो देख लेंगे अगर क्लासेस हुई तो कैरी करेंगे अदरवाइज जो है वो असाइनमेंट्स आपको दे दूंगा मैं और ऑन एंड ऑफ आप लोगों से मैं सेवन तो फिर सर नहीं कवर होगा ना बिकॉज़ आपने कहा था ना कि मतलब आप चैप्टर 6 भी कवर करेंगे तो सर वो तो फिर अब पॉसिबल नहीं है ना सर जी सिलेबस थोड़ा कम करें एक ही दिन में दो पेपर है यस सर और कोई छुट्टी अभी जो है ना वो चैप्टर 6 हमने करना है और सर 6 कैसे होगा सर अभी तो 5 स्टार्ट हुआ सर हाँ 5 में अभी नेक्स्ट क्लास में 5 खत्म हो जाएगा ना सर जी 5 तक ही रहने दें काफी है सर पेपर भी एक दो दो है सर छुट्टियां भी नहीं है सर कुछ थोड़ा बहुत थोड़ी काइंडनेस शो करें चैप्टर 6 तो हर सूरत चैप्टर 6 हर सूरत में करना है हर सूरत में सर हम और सर और बहुत ज्यादा हो जाएगा सर वे 8 चैप्टर है ना 8 में से 6 तो लाजमी करना है हर सूरत में वो मैं कभी भी चैप्टर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट वो एफिटीज है और एफिटीज का मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स और उसका जो इंट्रोडक्शन है ना वो मैं लाजमी दूंगा आपको सर वो फाइनल के बाद पढ़ा दें हम इंशाल्लाह मेकअप क्लासेस रख लेंगे पढ़ेंगे नहीं 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 फाइनल के बाद कुछ भी नहीं होता आप लोग फिर नहीं आते मुझे पता है ना सर सर हम यहीं पे हमने कहाँ जाना है सर अगला सब्जेक्ट भी तो आपसे पढ़ने है ना सर ईडीपी भी पढ़नी है यस सर उन्हें अगले कोर्स के ना अपने उसके चैप्टर्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये इसको नहीं टच कर सर वो ईडीपी में इंक्लूड करने या फाइनल के बाद उसकी ना मेकअप क्लासेस नहीं ना वो ईडीपी इटसेल्फ जाना वो लेंथी कोर्स है उसको जब मैं ये ऐड करूंगा तो वो नहीं हो सकेगा इसलिए ना आप जरा थोड़ा सा और सब्र करें मैंने एफईटीज लाजमी कराना है सर अभी प्रोजेक्ट भी है मैंने आपको बताया था कि 90% ऑफ द टाइम आपके आईसीज के अंदर एफिटीज ही यूज होते हैं तो वो अगर आपको नहीं पता होंगे एटलीस्ट उनका इंट्रोडक्शन तो मैंने लाजमी कराना है आप बेशक सर वो इंशाल्लाह सर फाइनल के बाद क्लासेस में मतलब आप रख लें मैं बुरहान ये सारे हम आ जाएंगे सर 80% स्टूडेंट सर तैयार हैं वो नहीं हो सकता ना नहीं हो सकता बता रहा हूँ चलें ठीक है फिर मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सर